बेगम को देने लगा मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा, अमेजिंग सा, बेहतरीन सा सरप्राइज, और बेगम को पता भी नहीं है कि हमने कब जाना है और कहाँ जाना है। और फिर चेक करते बेगम का रिएक्शन क्या होगा। कहाँ जा रहे हम लोग? मैं जा रही हूँ अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बेगम को देने लगा मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा, अमेजिंग सा, बेहतरीन सा सरप्राइज, जिसके वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है अभी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं लेकर जाऊंगा जरूर उसको ऐसी जगह पे जो उसको बहुत पसंद है। सीन कुछ ऐसे है कि बेगम के लिए मैंने करा ली है टिकट, और बेगम को पता भी नहीं है कि हमने कब जाना है और कहाँ जाना है। मैं निकला हुआ था जरा काम से, मुझे अपने लिए ना दो चार चीजें खरीदनी थी। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है और बेगम के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। लोगों ने प्लान किया हुआ था काफी टाइम से, जो कि बहुत दिनों से पोस्टपोन होता जा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी रूटीन एंड ऑल। लेकिन अभी बेगम के साथ मैंने प्लान तो पूरा कर लिया था, लेकिन बेगम को ये नहीं बताया था कि हमने कब जाना है, और मैंने सरप्राइजली आज ही टिकट बुक्स करवा ली है। जब टिकट बुक्स हो गई तो यू नो फिर वो बेगम को अभी पता ही नहीं है। मैं घर जाके बेगम को बताऊंगा कि भाई हमने टिकट बुक कर लिया, और बल्कि बेगम को दिखाऊंगा डायरेक्ट, बेगम ये ले आप जरा ये पढ़े ये क्या चीज है, और फिर चेक करते बेगम का रिएक्शन क्या होगा। लाइक सीरियसली यार, ये बहुत मजे का होने वाला है। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ उस जगह पे जाने के लिए, और बेगम तो एक्सट्रीमली एक्साइटेड है क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ और बेगम नहीं गई कभी। वो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। लिटरली मुझे कब से बोल रही थी, और उसको ऐसा ही लग रहा था कि हम अभी नहीं जा सकते, हम एंड ऑफ दिस ईयर जा सकते हैं ना, अभी तो बहुत बिजी चल रहा हूँ फलाना ढिमकाना। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के एडजस्ट वगैरह करके तो मैंने कर दिया है टिकट बुक। और मजे की बात यह है कि अभी तो मैं आज रात बेगम को ना घर जाके ना दिखाऊंगा टिकट्स, और बोलूंगा यार ये क्या जरा पढ़ के बताओ। जब वो पढ़ेगी ना तो लिटरली वो तो शॉक्ड हो जाएगी, और मुझे कितना मजा आएगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो अभी सीन ऐसा है कि मैं मोबाइल रखता हूँ क्योंकि बहुत ट्रैफिक है सामने। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और हम लोग यहाँ पे आ गए, बेगम को लेकर आया हूँ खाने खिलाने, क्योंकि मैं घर पहुँचा तो उनको लगी थी भूख, तो इनको जब भूख लगी तो मुझे भी लगनी है भूख, क्योंकि इनकी वजह से मुझे भी खाना पड़ता है, वरना तो मैं शरीफ आदमी, गरीब आदमी, घर की दाल रोटी पे खुश रहने वाला हूँ मैं। लेकिन यहाँ मुझे आना पड़ता मजबूरी, क्योंकि इनको भूख लगी होती है। खैर अभी इनको लेकर आया हूँ मैं, और इनको देने लगा हूँ सरप्राइज। एक क्या कब से सरप्राइज कर रहे हैं? अब इनको सरप्राइज बता दूंगा। अच्छा, मुझे इनके रिएक्शन नोट करने हैं ना, तो रिएक्शन नोट करने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पूरा कैमरा इनके ऊपर रखूँ। तो सरप्राइज एक काम कर, तो बेगम मैं आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ, पिक्चर व्हाट्सएप करता हूँ, आप उसको रीड करें और मुझे बताएं कि आपको वो सरप्राइज कैसा लगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप बहुत खुश होंगे। सो मैं बेगम आपने चेक की, मैंने आपको ये सेंड कर दिया, ज़रा चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें अपना आप। इनका सिर्फ और सिर्फ मुझे रिएक्शन चाहिए, लेट्स सी क्या रिएक्ट करती है। 3G आपने करवाया ही नहीं, मेरा तो मेरा 3G नहीं चल रहा, मेरा हॉटस्पॉट खुला हुआ है, आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट, चलिए रुके रुके, इसमें हंसने वाली क्या बात है। ई टिकट कहाँ जा रहे हम लोग? कहाँ लिखा हुआ है? पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ, क्या कराची टू बता दो, व्लॉग में बताना, हमने बता दिया क्या आपके लिए सरप्राइज था? व्लॉग वालों को तो पता चल ही जाएगा, दिखा दो। क्या हुआ, आप इतना अच्छा खुश क्यों हो रही है ना? मुझे तो आपका नाम लिखा हुआ है जो आप खुश हो रही हैं इस पे। आपका लिखा हुआ है, मेरा तो है ही नहीं। देखें, अच्छा मैं अकेला जा रहा हूँ। अच्छा मेरा है नीचे। दो मीडिया में, तो फिर दूसरे में मेरा है। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन। And I am so happy. पहले मुझे ये बताइए, आपने प्लान कब किया? भाई ये प्लान मेरा, आपको पता है मेरे सारे प्लान सडन होते हैं। हमारा तो प्लान बाद में था। हाँ, मेरे सडन प्लान होते हैं। अचानक से प्लान बनाया? बिल्कुल ऐसी अचानक से प्लान बोला। जस्ट अ सेकंड, मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ, मदिया की कॉल आ रही है। हाँ जी, सो सो थैंक यू, थैंक्स फॉर व्हाट, हाँ
मुझे बताओ किस डेट पे जा रहे हैं, डेट तो मैंने देखी नहीं। हम जा रहे हैं अगले महीने। डेट कहाँ है बेटा? हम जा रहे हैं 10 अगस्त। भैया मुझे क्या मतलब है, मुझे वो क्यों मुंह क्यों चढ़ा रही है? इतनी जल्दी जा रहे हैं हम कल जा रहे हैं। मेरे पास तो कुछ पहनने को नहीं है। आपके कुछ होता है पहनने को? इतनी जल्दी आपने करा ली, मैं अब मुझे शॉपिंग पे कब लेके जाएंगे आप? आप तो कल जा रहे हैं। मैं आपको शॉपिंग पे समझो होकर आ गए हम लोग। यार ले जाऊंगा, क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है? अब जाने से पहले मुझे लेकर जाना, बल्कि जाने से आके लेकर जाना। ऑब्वियस है, पहले मुझे बताइए सर हमने प्लान कर दिया। ये प्लान देखो, मेरा सीन ये होता है कि मैं कभी भी कुछ भी प्लान कर लेता हूँ, समझ आई? क्योंकि ये जो है ना, ये जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट के लिए मैं बहुत कुछ करने को करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे सब पूछते थे तुम्हारी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, और मैंने हमेशा पता क्या बोला, मैंने कहा जब मैं उस जगह जाऊँगी ना मैं फिर बताऊँगी। और फाइनली मैं अपने मियाँ की बदौलत मैं उस जगह पे जा रही हूँ, और आई एम सो हैप्पी। बस आई एम सो हैप्पी, मतलब बेचारी पागल हो गई, समझ नहीं आ रही किस तरह रिएक्ट करूँ। यार क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं कुछ पहनूँ अच्छा। हाँ। और पता है आप लोगों को हमेशा से पता है, मुझे कहीं भी जाने से पहले ना वहाँ पे पहनने की टेंशन हो जाती है कि मैं पहनूँ क्या, तो ये है। इससे पहले कि खाना ठंडा हो हमने इनके एक्सप्रेशन ले चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश है क्योंकि इसकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। तो अभी हम खाना खा लें, फिलहाल खाना ठंडा हो जाएगा तो खाना हमने मंगवाया चिकन कढ़ाई। अगर मुझे पता होता ना आप मुझे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे मुझे जाना था हमेशा से, तो फिर मैं घर पे खाना बनाती तो फिर मैं ग्रैंड डिनर करवा मतलब ये नहीं बोला कि मैं अपने हाथों से आपको बना के खिलाती, ग्रैंड डिनर करवाती, वो भी आपको ना कुर्बान करके। खैर चलो खाना खाते हो जाएगा फिर इंशाल्लाह, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। गाइस होप आप लोगों को सरप्राइज पसंद आया होगा। अच्छा ये बताएं वहां क्या करने जाएंगी, शॉपिंग करने? वहाँ जाकर भी तो देखें करना होगा, मतलब ऐसी ही कुछ भी। अच्छा फर्ज है, मतलब नहीं ना, अच्छा नहीं फर्ज है ना, फर्ज है ना, एवी बस कुछ ना कुछ तो करना है ना, है ना, एवी आपको खर्चा कराना है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जरूरी फर्ज है क्या यार? मेरा भी ये तो फर्ज नहीं है, लेकिन आपका खर्चा कराना तो मेरा फर्ज है ना, मेरा हक है। मुझे समझ नहीं आता ये औरतें ऐसी क्यों होती है। औरतों देखो अपने अपने शोहरों की, कि अपने शोहरों का ख्याल रखो, उन लोगों को परेशान ना करो, उनका खर्चा ना कराया करो, बल्कि उन लोगों से पैसे लो और बोलो देखो मैंने सेविंग की है और 1-2 करोड़ रुपए जमा करके दिखाओ। एक महीने में सेविंग तो मेरी बेगम बहुत करती है, माशाल्लाह इतनी सेविंग करती है। अच्छा पता क्या करती है मेरी बेगम की स्ट्रेटेजी चेक करो, है मदिया अपनी भाभी की स्ट्रेटेजी चेक करो, सेविंग करती है अपने अकाउंट में और खर्चा करती है मेरे अकाउंट से, तो फिर सेविंग कैसे हुई? मुझे आप लोग बताएं सेविंग कैसे हुई, मतलब भाई मेरी नजर में बीवी का अकाउंट और शौहर का अकाउंट एक ही है, ठीक है, बेशक फिजिकली प्रैक्टिकली अलग है, लेकिन इन शॉर्ट हम दोनों तो एक ही है ना, कभी भी अब उसके अकाउंट में सेव होते हैं और इधर से खर्च करती है, एक ही बात है भाई, उसी से खर्च कर लो फिर, एक ही बात हो गई ना, कान इधर से पकड़ो ये यूं घुमा के पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है ना आपने। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और मैं सेविंग करती हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करती। इसलिए आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, प्लीज अपने अपने शोहरों की बीवियों उनका ख्याल रखो, वो लोग वक्त से पहले एक तो बुड्ढे हो जाएंगे और वक्त से पहले अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। देखो वक्त से पहले बुड्ढे हो जाते हैं ना जो लोग, वो मर्द जो होते हैं वो इसी वजह से। आप लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मर्द ही मरता है, औरत को तो आ ही नहीं सकता है ना। मैं सोचा था कि यार मुझे रात के 12:30 बज रहा है, मुझे क्लाइंट से मीटिंग में जाना है और दूसरे क्लाइंट से पेमेंट लेने जाना है, और ये क्या सोच रही थी, ये सोच रही थी यार मैं ये वाला बैग लूंगी, ये वाली चप्पल। मैं तो मर्द और औरत की सोच में कितना फर्क होता है यार, कितना ज्यादा मैं बता नहीं सकता। हम लोग दुख झेल झेल के ना पागल हो जाते हैं, मर्द जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। वेल मैं अब इस दुख के साथ ना
इसको बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। मैं अब दुख के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह प्यार करते रहे, और मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, और अपने अपने शोरों के लिए भी करें। ठीक है, यानी क्या लगाया हुआ आपने? ठीक है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़।